जी भाभी, लेकिन हम मॉल क्यों आए हैं? अब बाहर निकले ही थे तो थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। अच्छा एक बात पूछूं तुमसे? सब तुम्हें मेरे साथ बाहर आना था तो इतना परेशान क्यों हो रही थी? सुल्तान से पूछ लेती, वो मना तो नहीं करता गाड़ी ले जाने से। ऐसी बात नहीं है भाभी, वो दरअसल मैंने उन्हें कॉल की थी तो उनका नंबर बंद आ रहा था। शादी के बाद लड़कियां अपने घर वालों से बातें छुपाना शुरू कर देती हैं क्या? असरत, तुम खुश हो ना? जी भाभी, बहुत खुश हूँ, बस आप लोगों की याद आती हूँ। तो हमें भी आती है। चलो शॉपिंग करते हैं। चलो। क्या हुआ सुल्तान? कौन है ये लड़की? पता नहीं। तुम जानती नहीं हो इसे? नहीं भाभी। असरा, असरा ऐसे ही घूमता है क्या लड़कियों के साथ? शायद कोई दोस्त होगी भाभी। अच्छा कॉल करो सुल्तान को। उससे क्या होगा? मैं कह रही हूं ना तुम्हें, कॉल करो और पूछो कहाँ है वो। कॉल करो, कॉल। कौन? हाँ बोलो। असर सुल्तान, कहाँ हैं आप? जाहिर है घर से अगर ऑफिस के लिए निकला हूं तो ऑफिस में ही हूंगा। तो ऑफिस में आप? ऑब्वियसली असर, एक मीटिंग है उसकी तैयारी कर रहा हूँ। कोई काम था? मैं चाह रही थी कि आप मेरे साथ एग्जीबिशन में चलें। नहीं यार, ये एग्जीबिशंस वगैरह बहुत बोरिंग होते। वैसे भी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे उसके लिए प्रिपरेशंस करनी है। आई एम वेरी बिजी, आई कांट टॉक राइट नाउ। हेलो। हाय। आप लोग तो एग्जीबिशन पे जाने वाले थे, यहां तक कर रहे हैं? शॉपिंग करने का सोचा तो मॉल आ गए, और इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो गई। हेलो मिसेस सुल्तान, सहनो। रियली? हाँ, सुल्तान मेरे बचपन के दोस्त हैं। अच्छा, प्लीज ज़ारा, शी इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड, तुम्हें पता, क्लास 1 से मैं और ज़ारा एक साथ पढ़ते हुए आए।
और मैं तो पढ़ी नहीं, अनपढ़ हूं ना। चलें भाभी।